जयसिंहपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने में विभाग और सरकार नाकाम साबित हुआ है। बार बार अखबारों और न्यूज चैनल में खबर लगने पर शासन प्रशासन हरकत में आया। जयसिंहपुर क्षेत्र की नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने खनन विभाग द्वारा तीसरी आंख सीसीटीवी का सहारा लिया गया, लेकिन तीसरी नजर से नुकेल कसे जाने दावे हवा होने के साथ साथ विभाग की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई है। बता दें कि पिछले कुछ समय में विभाग द्वारा अवैध खनन पर सीसीटीवी की सहायता से नजर रखने के दावों के साथ ही कैमरे लगवाए जाने का जोर शोर के साथ प्रचार किया गया, लेकिन वास्तविकता में खनन विभाग द्वारा जयसिंहपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के पीछे एक पेड़ का सीना छन्नी कर कील गाड़ कर एक कैमरा तो लगा दिया, लेकिन जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो कैमरा बिना तार के पाया गया। कैमरे को बिजली और रिकॉर्डिंग की किसी यंत्र से जोड़ा नहीं गया है। कुल मिलाकर बिना तार और कनेक्शन के पेड़ पर लटका खाली बंद पड़ा कैमरा विभागीय कार्य प्रणाली को आईना दिखा रहा है। दूसरा दिलचस्प पहलू ये है कि कैमरे की सहायता से खनन पर नजर रखने का दम भरने वाले जिला खनन अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उन्होंने कैमरा लगाया कहाँ है। धरातल पर जयसिंहपुर रेस्ट हाउस के समीप एक सीसीटीवी मृत अवस्था में लटका है, जबकि जिला खनन अधिकारी राजीव से बात किए जाने पर उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कंगैन में एक कैमरा लगाया गया है। वहीं दिलचस्प बात ये भी है कि विभागीय अधिकारी की बात पर गौर किया जाए तो उनके अनुसार जयसिंहपुर में कोई कैमरा ही नहीं है, जबकि उनके अनुसार कंगैन में एक कैमरा है जो है ही नहीं। इससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दावे व्यवहारिक रूप से कितने सही होते हैं और इन्हीं विभागीय दावों पर सरकार अपनी कुशलता का बखान करते नहीं थकती है। जयसिंहपुर से अजीत वर्मा की रिपोर्ट।